दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। होता है तो क्यों होता है, आइए उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होता है और क्यों होता है इसके बारे में कंसेप्ट है। हम पहले आप लोग को कंसेप्ट बताते हैं, फिर कैसे सिद्ध होता है उसको बताते हैं। सिद्ध होने से पहले ये कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है। मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन है, तो समानता रेखा खींच दी है। अब इसे कोई तीसरी त्रिज्या की रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना। इसको मान लेते हैं कोई तीसरी अल्प रेखा है जो M और N रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो समानता रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह क्या होता है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। यह एकांतर कोण जो होता है इस एकांतर कोण के बराबर होता है। उसी तरह सेम यहाँ भी क्या होगा, ये एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा ना। और क्या होगा, यह जो है सम्मुख कोण इस सम्मुख कोण के बराबर होता है। वैसे यह सम्मुख कोण जो है इस सम्मुख कोण के बराबर होता है। सेम यहाँ भी होगा, यह सम्मुख कोण इस सम्मुख कोण के बराबर और यह सम्मुख कोण इस सम्मुख कोण के बराबर होता है। और क्या होता है, यह पूरा जो है पूरा इस पूरा को बोलते हैं 180। यह दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। सेम ऐसा ही ऊपर भी 180 डिग्री होगा, तब ना पूरा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हाफ लिए हैं तो हाफ में 180, ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग सिद्ध करेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180 होता है। आइए फटाफट देखते हैं। मान लीजिए यह कोई क्या है, त्रिभुज है, खींच दिए त्रिभुज। अब इस त्रिभुज इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और ये हो गया सी। इसके पैरेलल समानांतर एक रेखा खींच दिए। इसको मान लेते हैं एल, समांतर कोई रेखा है, तो लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अब रचना में क्या करना है, L समानांतर यह रेखा किसके, बी सी के खींच दिए, बी सी खींचा, L समानांतर बी सी खींचा। समानांतर रेखा वैसा रेखा होता है, मान लीजिए दोनों रेखा है, दोनों के बीच हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस जो होता है गैप इसका हमेशा बराबर होगा। ये कहीं भी जाके आगे नहीं कटेगा, यदि कट जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा आ जाएगा, यह समानांतर रेखा होता है। यह कहीं भी आगे नहीं कटता है, मतलब दोनों क्या समान अंतर पे फैला हुआ रहता है, आगे तक बना रहेगा। यह ना हो गया तो लिख देंगे यहाँ, सिद्ध करना है, प्रूव दैट कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। या इसको हम मान लेते हैं कोण एक है, कोण दो है और यह कोण तीन है। इसको भी मान लेते हैं कोण चार या कोण पांच, मान लिए। तो एक आसान हम लिख सकते हैं इसको, या कोण वन प्लस कोण टू और प्लस कोण थ्री बराबर 180 डिग्री। यह हम क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा, तो लिख देंगे यहाँ, चूंकि यह L समानांतर जो रेखा है किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है और AC देख रहे हैं, AB जो क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। चूंकि L समानांतर BC और यहाँ AB लाइन लेते हैं, AB उसे प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या होगा, यह जो एकांतर कोण है इस एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा, कोण चार बराबर कोण दो। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर वन, मान लिए। फिर क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह इधर भी, क्योंकि L समानांतर BC, जब AC इसको प्रतिच्छेद कर रहा है
एसी से प्रतिच्छेद कर रहा है, लिख दिए। तब क्या होगा इस कंडीशन में, यह कोण पांच जो है कोण तीन के बराबर होगा। कोण पांच बराबर कोण तीन कैसे, एकांतर कोण, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 2 को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। प्लस टू कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 3, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे क्या होगा, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। अब क्या करते हैं, दोनों में कोण 1 को जोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं 3 नंबर। मान लिए दोनों तरफ कोण 1 को जोड़ने पर जोड़िए, कोण 1 प्लस कोण 4 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब बताइए, यहाँ ध्यान से देखिए, 1, 4 और 5 बताया ना तुरंत, यह तीनों मिला के क्या होता है 180, 180 डिग्री होता है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना है कि 1, 2 और प्लस 3 अर्थात कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों मिला कितना होता है 180। इसको लिख दीजिए, हो गया। यही साबित करना था।